अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो दोस्तों, रियलमी फैंस के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है कि रियलमी एक्स सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट में डेब्यू करने जा रही है अपने दो स्मार्टफोन्स के साथ, रियलमी एक्स सेवन और एक्स सेवन प्रो। जी हाँ, प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट के ये स्मार्टफोन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जनवरी में रिलीज़ किए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, तो इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन की तरफ नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में क्या कुछ नया हमें पेश करने जा रहे हैं। तो बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ दबाइएगा। मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राणा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी तो दोस्तों, अगर बात करें रियलमी एक्स सीरीज़ की, तो यार दो स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे, रियलमी एक्स सेवन और एक्स सेवन प्रो। ये दोनों ही स्मार्टफोन 5G के अंदर हमें देखने को मिलेंगे और मीडिया टेक के चिपसेट जो है वो इसके अंदर यूज़ किया गया है, और ग्लोबल मार्केट के अंदर ये दोनों स्मार्टफोन रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे। और काफ़ी ज़्यादा चांसेज है कि ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हमें जनवरी में देखने को मिल सकते हैं। तो यार, इन दोनों स्मार्टफोन की तरफ नज़र डालें तो काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन निकल के आते हैं। ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ये स्मार्टफोन, हमें जो है वो 60,000 से 80,000 की प्राइस ब्रैकेट के अंदर काफ़ी अच्छे जो है वो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं रियलमी की तरफ से। इनकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डाली जाए तो यार डिजाइन काफी अच्छा दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। रियलमी की एक चीज मुझे पसंद है कि यार ये स्पेसिफिकेशन के साथ साथ जो है ना वो डिजाइन के ऊपर भी काम करती है। यहां पर हमें जो है वो बहुत ज्यादा थिक स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते, बहुत ज्यादा वेट देखने को नहीं मिलता स्मार्टफोन्स के अंदर, जैसे कि हमें रेडमी और शाओमी के स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज एक काफी बेहतर देखने को मिलती है रियलमी के स्मार्टफोन से। यहां पर भी जो है हमें 185 ग्राम के आसपास जो है वो वेट देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोन्स का, और 8.5 mm के आसपास जो है यहां पर हमें थिकनेस देखने को मिल जाएगी। एक चीज यहां पर थोड़ी सी खटक रही है कि बैक साइड के ऊपर बड़ी बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिल रही है दोनों स्मार्टफोन के ऊपर, जो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। यार प्रीमियम स्मार्टफोन्स के अंदर हमें इस तरह की जो है वो ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती, ये चीप हरकत होती है किसी भी ब्रांड की तरफ से अपनी जो है वो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर देना। जितने भी बड़े प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं, प्रीमियम मिड रेंज से ऊपर आप देख लें, वहां पर कहीं भी जो है वो आपको इतनी बड़ी ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये जो है वो प्रीमियमनेस को खत्म कर देती है चीज। तो बहरहाल इस चीज के ऊपर रियलमी को जो है वो देखना चाहिए, इतने बड़ी जो है हमें ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है, रियलमी 7 प्रो जैसा ही डिजाइन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है दोनों ही डिवाइसेस के अंदर। अब दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो यार डिस्प्ले भी काफी सॉलिड हमें देखने को मिलेगा। रियलमी एक्स 7 प्रो के अंदर हमें जो है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जो यार काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल के आती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए रियलमी एक्स सेवन की, तो वहाँ पर भी हमें जो है वो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं है कि हमें रिफ्रेश रेट कितना देखने को मिलेगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा या फिर 60Hz का रिफ्रेश रेट होगा इस स्मार्टफोन के अंदर। बहरहाल यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, तो डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें काफी सॉलिड देखने को मिलने वाले हैं। तो बैटरी की बात करें, बैटरी के अंदर दोनों स्मार्टफोन यार काफी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर भी हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि काफी एक्साइटिंग चीज निकल के आती है। 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी एक्स सेवन प्रो के अंदर, और एक्स सेवन के अंदर हमें 4300mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से बैटरी के मामले में कोई भी मसला नहीं आने वाला, यहां पर हमें अच्छा बैकअप भी देखने को मिलेगा और अच्छी फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यार अगर इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, तो यार दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें मीडिया टेक के चिपसेट जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंस के अंदर हमें जो है वो X7 Pro के अंदर जो है वो Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5G सपोर्टेड है, और X7 के अंदर हमें जो है वो Dimensity 800U का चिपसेट देखने को मिलेगा, वो भी 5G सपोर्टेड चिपसेट है। अब इन दोनों स्मार्टफोन की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यार X7 Pro के अंदर जो 1000 प्लस का चिपसेट है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। 730G या 750G के आसपास की जो है हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी स्मार्टफोन के अंदर, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए 800U की, तो वहां पर हमें जो है वो 720G जैसी जो है वो चिपसेट की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही जो है वो 5G चिपसेट है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी एक चीज़ निकल के आती है। उसके अलावा X7 Pro के अगर वेरियंट्स की बात की जाए, तो 6GB और 8GB के दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, जो कि 128 और 256GB की जो है वो स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं। UFS 2.1 की स्टोरेज यहां पर हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर X7 की बात की जाए, तो वहां
वहाँ पर भी हमें जो है वो 6GB और 8GB के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और स्टोरेज वहाँ पर भी जो है वो 128GB की देखने को मिलेगी UFS 2.1 के साथ। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी एक चीज़ निकल के आ रही है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड के मुताबिक हमें 8GB प्लस 128GB का जो है वो वेरियंट देखने को मिलेगा। इंटरनेशनली जो है वो दो वेरियंट्स के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ही वेरियंट आएगा 8GB 128GB वाला, ज़्यादा चांसेस इसी के लग रहे हैं। और उसके अलावा कैमराज की बात की जाए तो यार दोनों स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी आइडेंटिकल कैमराज देखने को मिल जाएंगे, यानी बैक के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप है और यहाँ पर हमें जो है वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2-2 मेगापिक्सल का हमें जो है वो मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से कैमराज जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर प्राइमरी कैमराज की बात की जाए, फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल और बैक के ऊपर 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छी हमें जो है वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो बाकी के जो लेंस हैं उनसे हमें जो है वो इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन के कैमराज ठीक ठाक हैं। यहाँ पर हमें स्लो मोशन भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 4K की जो है वो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि किस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यार ओवरऑल इन दोनों स्मार्टफोन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा एक एडिशन होगा, जो कि वेकेंट स्पेस पड़ी हुई है ना 60,000 से 80,000 के बीच में, कोई अच्छे स्मार्टफोन हमें देखने को नहीं मिल रहे। मेरे ख्याल से ये दोनों स्मार्टफोन जो है वो उसको फिल करते हुए नजर आएंगे। और बाकी मेरे ख्याल से जो है वो रेडमी को भी थोड़ा सा जो है वो हौसला मिलेगा यहाँ पर जो है वो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अपने स्मार्टफोन जो है वो लेके आने का। इसके अलावा जो वीवो के आईक्यू ब्रांड है वो भी यहाँ पर आए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा हमें कंपटीशन देखने को मिल सकता है इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन यार अभी तक जो है वो रियलमी से ही थोड़ी सी उम्मीद है कि वो अपनी एक्स सीरीज जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेके आएगा इस बजट कैटेगरी के अंदर। रेडमी, आईको और इस तरह के जो ब्रांड है मेरे ख्याल से उनको भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस बजट सेगमेंट को जो है वो टारगेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस बजट कैटेगरी के अंदर अच्छे मोबाइल देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनको मजबूरी में यूज़ मोबाइल ही लेने पड़ते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है यार X7 और X7 Pro के बारे में, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने चाहिए, नहीं लॉन्च होने चाहिए, किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर लॉन्च होने चाहिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा एक एडिशन होने वाला है 60,000 से 70,000-80,000 की प्राइस ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं प्राइस बताऊँ इन दोनों स्मार्टफोन की तो मेरे ख्याल से 60,000 से 65,000 के अंदर हमें X7 देखने को मिलेगा और 70,000 से 75,000 के अंदर हमें जो है वो X7 Pro देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी एक प्राइस निकल के आएगी। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।